तो जैसा कि दोस्तों देखने में आता है कि 1-2 हज़ार के प्राइस डिफरेंस में भी आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है, तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट माइनर से प्राइस पॉइंट जो हाई है एक दूसरे से उनको लेकर यहाँ पर वीडियो बनाई है। एक ओप्पो F19 Ace हमने ट्राइस करा है जो कि 20 हज़ार के प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। Y73 आपको यहाँ पर 21 हज़ार के प्राइस पर देखने को मिल जाएगा और ओप्पो का F19 Pro जो है 22 हज़ार की कीमत में देखने को मिल जाएगा। 3 डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं पर रहता है कि आप 1-2 हज़ार के चक्कर में एक अच्छी चीज़ लेना भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो यही आपके लिए वीडियो बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी कंफ्यूजन इससे क्लियर रहता है तो ये हमारे काफी ज्यादा बेहद खुशी की बात है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए और जुड़ जाइए टेकआउट की फैमिली। बात करेंगे डिजाइन को लेकर, तो ओप्पो F19 Ace दिवाली एडिशन के साथ यहाँ पर आपके सामने निकल कर आता है। 2 कलर है, ब्लैक एंड गोल्ड। हमारे पास ब्लैक कलर काफी ज्यादा प्रीमियम से अट्रैक्टिव से लुक के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे प्लास्टिक का मटेरियल लेकिन आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। 3 लेंसेज कैमरा के देखने को मिलते हैं। काफी डिफरेंट एक पैटर्न के साथ आपको ये फोन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो Y73 बिल्कुल एक लेटेस्ट डिजाइन के साथ निकल रहा आता है। डायमंड फ्लेयर पैटर्न पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं। काफी जिगजैग यहाँ पर आपको चीज देखने को मिल जाती है। आप धूप में से यूज करते हैं तो काफी अलग अलग कलर शेड के साथ आपका फोन यहाँ पर पीछे से हाईलाइट करता है आपकी चीज को। 3 लेंसेज दिए गए, तो डिजाइन के मामले में वीवो भी काफी ज्यादा बेस्ट मटेरियल यूज करके एक अच्छा अट्रैक्टिव सा डिजाइन यहाँ पर बनाता है। ओप्पो F19 Pro इट्स गुड बिकॉज यहाँ पर कलर आप देख सकते हैं काफी अच्छी ग्लॉसी सा कलर आपको पीछे की तरफ फिनिश देखने को मिलता है और कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट शेड के रियर साइड पे देखने को मिल जाते हैं। धूप में आप देखते हैं इस फोन को, काफी ज्यादा आप लो लाइट में चले जाएं या फिर डार्क हार्श लाइट में चले जाएं, पीछे की तरफ से काफी अट्रैक्टिव सा लुक आपको ये फोन यहाँ पर दे देगा। पीछे तरफ आपको 4 लेंस नजर आते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में आपको कैमरा बटन रियर साइड पे यहाँ पर दिया गया। बढ़ते हैं बिकॉज डिजाइन तो आपको सारे फोन में काफी अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ओप्पो F19 Ace के डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 6.43 इंच का फुल HD+ AMOLED रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट यहाँ पर थोड़ा कम है, 60Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है। आप इसके प्रोटेक्शन टाइप की अगर बात करें डिस्प्ले की तो स्कॉट एक्स अप एक नया लेटेस्ट प्रोटेक्टर ग्लास आपको फ्रंट में दिया गया है। पंसोल आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। बेजल्स फोन के काफी कम है, चेन साइज भी काफी ज्यादा छोटी है। आपको काफी अच्छा एक लुक जो है डिस्प्ले का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और किसी भी एंगल ऑफ व्यू से आप वीडियो प्ले करते हैं काफी अट्रैक्टिव सा वीडियो प्ले आपके यहाँ पर हो जाएगा। कलर्स वगैरह काफी अच्छे आपको ओप्पो F19 Ace में देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें वीवो के Y73 की तो यहाँ पर भी आपको 6.44 इंच का फुल HD+ AMOLED रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट काफी अच्छा यहाँ पर 60Hz का देखने को मिल जाएगा। AG ग्लास का प्रोटेक्शन आपको काफी थीन पतला सा कांच आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। और वहीं बात करते हैं SDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा फोन के अंदर, जो कलर काफी अच्छे पंची बनाता है आपके डिस्प्ले के। एक डिसएडवांटेज है, आपको यहाँ पर सिर्फ नॉच नजर आती है। बेजल भी थोड़े से बड़े हैं इस कंपेयर ओप्पो F19 Ace से, जिनकी साइज सिमिलर सी आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाएगी। ओप्पो F19 Pro एक हमारे पास ऐसा फोन है जिसमें आपको 6.43 इंच का फुल HD+ सुपर AMOLED रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो यही चीज समझाने की कोशिश की है, 1-1 हज़ार के प्राइस डिफरेंस में भी कुछ कुछ चीजें आपसे छूट जाती है। तो सुपर AMOLED रेजोल्यूशन दिया गया है, आपको यहाँ पर रिफ्रेश रेट 60Hz का नजर आ जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन फ्रंट डिस्प्ले पे दिया गया है। पंच होल आपको देखने को मिल जाता है और बेजल और चेन जो है यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर ओप्पो F19 Ace के जैसी है। लेकिन और बात करें तो ये फोन का आपको डिस्प्ले क्वालिटी ज्यादा अच्छा मिलता है इन दो के कंपैरिजन में। मोबाइल फोन की कंपनी की एक खास चीज ये है कि आपको जो सबसे ज्यादा चीज वो हाईलाइट कराते हैं और जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट आप लोग होते हैं वो चीज है फोन का कैमरा क्वालिटी। तो ओप्पो के F19 Ace की अगर बात करें तो 3 लेंस दिए हैं, 48 MP का प्राइमरी लेंस, 2 MP का मैक्रो एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर, अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ से हटा दिया गया है। वहीं बात करें Y73 की तो यहाँ पर 64 का प्राइमरी लेंस, 2 MP का मैक्रो लेंस एंड 2 MP डेप्थ सेंसर आपको Y73 में देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन ओप्पो के F19 Pro में 4 लेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। 48 का प्राइमरी लेंस है, 8 MP अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 MP का मैक्रो लेंस एंड डेप्थ सेंसर आपको यहां पर दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें 64 के साथ आपको Y73 देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको सारी चीज चाहिए कैमरास की वो आपको ओप्पो के F19 Pro में देखने को मिल जाती है। सेल्फी के मामले कोई भी ज्यादा डिफरेंस आपको खास देखने को नहीं मिलता, 16 MP का सेल्फी कैमरा आपको तीनों ही फोन में नजर आता है। और बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यहां पर Y73 एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको 4K का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहां पर 30fps पर 1080 जो है आपको साथ 30fps एंड 60fps का सपोर्ट देता है। ओप्पो F19 Ace में ओनली 1080 का सपोर्ट दिया गया है, 30fps पर फ्रेम रेट ओनली इसमें दिया गया है, 4K सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन ओप्पो F19 Pro आपको 4K का सपोर्ट दे देगा 30fps तक और 1080 में दोनों रेजोल्यूशन, ये फ्रेम रेट यहां पर सेट करके आपको दे देगा। लेकिन ये चीज हमें ओप्पो के F19 Ace में नजर नहीं आती है, तो ये चीज आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में यहां पर तीनों ही फोन में देखने को मिलती है। अलग एंड बायोमेट्रिक सेंसिंग क्वालिटी की बात करें तो तीनों ही फोन के फ्रंट डिस्प्ले आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और फ्रंट आपको कैमरास में आपको जो है फेस लॉक की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जो कि तीनों
ही फोन में काफी ज्यादा फास्ट एंड स्मूथ सी एड की। इसके मामले में तीनों ही फोन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओप्पो वीवो ऐसे ब्रांड है, इतना ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट इन चीजों में नहीं ऐड करते हैं। तो बात करें अगर ओप्पो फ्रंटीन एस की, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 11 में आपका फोन बेस्ड है, स्नैपड्रैगन 662 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा ओल्ड प्रोसेसर है, फिर भी आपको ओप्पो फ्रंटीन एस में यही नजर आने वाला है। और Y73 की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 11 पर फोन आपका बेस्ड है, मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। और ओप्पो फ्रंटीन प्रो की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 11 पर फोन बेस्ड और मीडियाटेक हेलियो P95 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात करें सबसे ज्यादा हैवी और फास्ट प्रोसेसर की, तो Y73 के अंदर आपको देखने को मिलता है G95, जो कि काफी ज्यादा एक एडवांस प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पे, और इन तीनों फोन के कंपैरिजन में। बाकी तो और भी ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोसेसर इस प्राइस पे आपको दूसरे फोन के देखने को मिल रहे हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस काफी शानदार आपका Y73 में यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन जो है तीनों ही फोन के काफी अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं आपको। ओप्पो फ्रंटीन एस की अगर बात करें, 6GB 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर अपनी रैम को भी एक्सपांड कर सकते हैं, और जो मेमोरी बढ़ाने की क्वालिटी फोन की जो है, वो आप 256GB तक फोन की मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें Y73 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 8GB 128GB, लेकिन इसके स्टोरेज को आप 1TB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हैं, और उसके साथ वर्चुअल रैम 4GB तक यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। और ओप्पो फ्रंटीन प्रो की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको 8GB 128GB का सपोर्ट तो फोन में देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आप 256GB तक फोन के स्टोरेज को यहाँ पर बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर तीनों ही फोन में आपको डेडिकेट स्लॉट देखते हैं, जिसमें दोनों सिम एक माइक्रो एसडी कार्ड वन टाइम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तीनों ही फोन के डिजाइन के मामले में, और जो वेट है काफी ज्यादा लाइट वेट और थिन और काफी अच्छा डिजाइन आपको पतला सा तीनों ही फोन का देखने को मिल जाएगा। इसके हिसाब से अगर बैटरी बैकअप की बात करें, तो ओप्पो फ्रंटीन एस में काफी शानदार 5000mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा यहाँ पर ऐड किया गया, प्लस 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। Y73 में आपको 4000mAh का बैटरी बैकअप मिलता है, 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। उसी के साथ अगर बात करें ओप्पो के फ्रंटीन प्रो की, तो यहाँ पर भी आपको 4310mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, और 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बड़ा बैटरी चाहिए, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको ओप्पो फ्रंटीन एस में मिल रहा है, बिकॉज 5000mAh के बैटरी के साथ साथ एक 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लास्ट अगर बात करें प्राइस पॉइंट की, अगर आपके सामने एक और चीज क्लियर कर दें, तो Y73 आपको मिलता है यहाँ पर सेकंड फोन हमारा 8GB 128GB के साथ 20,990 मतलब 21,000 कीमत में, ओप्पो फ्रंटीन एस 20,000 की कीमत में, और ओप्पो फ्रंटीन प्रो 22,000 की कीमत में, 21,000 का प्राइस डिफरेंस है। लेकिन अगर एक मिड सेगमेंट निकालें इस चीज़ का, एक वर्चुअल अगर आप 21,000 का प्राइस पॉइंट अगर लेके चलते हैं, तो Y73 इन सभी फोन में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज तीनों ही फोन जो है 4G के साथ आते हैं, लेकिन आपको डिस्प्ले आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है, कैमरा क्वालिटी और भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी है, प्लस प्रोसेसर वगैरह सारी चीज़ जो है इन दो फोन के कंपेटेबिलिटी में आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ।